बंदा पक्का सप्लीमेंट्स लेता होगा, इस बंदे ने पक्का बॉडी सप्लीमेंट्स लेके बनाई है। एंड जैसे ही इसने सप्लीमेंट्स लेना बंद किया, इसकी बॉडी डाउन होना स्टार्ट हो गई, वेट लूज होना स्टार्ट हो गया। ऐसा आपने भी आसपास लोगों को बोलते हुए सुना होगा, हो सकता है आपने अपने साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि जिस टाइम पर आप वेट गेन करने के लिए सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हो, जब तक आप सप्लीमेंट्स खा रहे हो आपका वेट गेन हो रहा है, बट जैसे ही आप सप्लीमेंट्स लेना बंद कर देते हो वैसे ही आपका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है एंड इसका सलूशन क्या है। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारे वेट गेनिंग सप्लीमेंट्स होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, मतलब उनको खाकर हमारा वेट गेन कैसे होता है। तभी आप ये समझ पाओगे कि जब हम सप्लीमेंट्स लेना छोड़ देते हैं तो हमारा वेट लूज होना स्टार्ट क्यों हो जाता है एंड इसका सलूशन क्या होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको अपना वेट गेन करना है तो आपको बहुत सारा खाना खाना है, मतलब आपको बहुत सारी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। मान लीजिए आपकी दिन भर की जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज है आपको उससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है जिससे आपका वेट गेन हो सके। अब मान लीजिए मेरे को दिन भर में 2000 कैलोरीज खानी है, अगर मैं 2000 कैलोरीज खाऊंगा तो मेरा वेट गेन होगा। बट हो सकता है मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं दिन भर में इतना खाना नहीं खा सकता हूँ कि मैं अपनी कैलोरीज की नीड्स पूरी कर सकूँ। मैं अपने रेगुलर खाने से सिर्फ 1000 कैलोरीज पूरी कर पा रहा हूँ। अब जो बची 1000 कैलोरीज है वो मैं पूरी कैसे करूँगा? अब यहाँ पर सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर कुछ सप्लीमेंट्स, गेनिंग सप्लीमेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी एक स्पून से ही मैं सिर्फ 1000 कैलोरीज अपनी आराम से कंज्यूम कर पाऊंगा। अब मान लीजिए मैंने रेगुलर खाने से अपनी 1000 कैलोरीज खा ली और 1000 मैंने सप्लीमेंट से खा ली तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वेट गेनिंग वाले सप्लीमेंट्स होते हैं वो वर्क करते हैं। इनसे ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ होता है जो जिससे एकदम से हमारा वेट गेन हो जाता है। सिर्फ ये हमको हमारी कैलोरीज की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं जिससे हम अपना वेट गेन कर पाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सप्लीमेंट्स खाने से हमारा वेट गेन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं जब हम ये सप्लीमेंट्स खाना बंद कर देते हैं तो हमारा वेट लूज होना स्टार्ट क्यों हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिस टाइम पर हम सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं उस टाइम पर हम इजीली अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। दिन में 1000-2000 कैलोरीज, 3000 या 2500 जितने भी कैलोरीज है आराम से खा लेते हैं। बट जैसे ही हम ये सप्लीमेंट्स खाना बंद कर देते हैं वैसे हमारी जो कैलोरीज की इनटेक है वो एकदम आधे पे आ जाती है, फिर जितना भी आप रेगुलर खाना खा पा रहे हो। अब आप भी सोचो, आप डेली 2000 कैलोरीज खा रहे हो, 3000 कैलोरीज खा रहे हो और वो एकदम से डाउन होके 1500 कैलोरीज पे आ जाए, 1000 पे आ जाए। एंड जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो करती है, आपका वेट ग्रो होता है, आपका वेट बढ़ता है, मसल्स ग्रो होती है, तो वैसे वैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है कैलोरीज की। एंड बट आप सीधा आधी कैलोरीज पर आ जाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपका वेट कम होना ही होना है। सेकेंड थिंग, जब हम सप्लीमेंट्स यूज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हो तो आप थोड़ा वर्कआउट में भी एक्स्ट्रा पुश करते हो अपने आप को। एंड अगर आपके पास कोई आया, बाहर का खाना लेके आया और आपको ऑफर करता है कि ये खाना खा लो, तो आप उसको क्या बोलते हो? नहीं, अभी मैं जिम कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्स चल रहे हैं तो अभी मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। बट जैसे ही आपके सप्लीमेंट्स बंद हो जाते हैं, आप सप्लीमेंट्स लेना बंद कर देते हो तो आप बहुत कैजुअली हर चीज को लेने लग जाते हो, आप बाहर का खाना लग जाते हो। आपको एक मौका मिल जाता है बोलने का कि अभी तो मैं जिम नहीं जा रहा, अभी मैं सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा तो मैं बाहर का खाना खा सकता हूँ। तो उस वजह से भी हमारा वेट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट रीजन, जो भी ये वेट गेनिंग वाले सप्लीमेंट्स हैं इनमें सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एंड जब हम ये सोडियम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर देती है जिस टाइम पर हम ये सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमको ऐसा लगता है कि हमारा वेट बढ़ा हुआ है। एंड जब हम ये सप्लीमेंट्स खाना छोड़ देते हैं हमारी बॉडी ने जो वाटर होल्ड किया होता है वो रिलीज कर देती है, जिस वजह से हमको ऐसा लगता है कि हमारा वेट लूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका एक ही सोल्यूशन है जिस टाइम पर हम वेट गेन कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स का यूज कर रहे हैं, हमको ट्राई करना है कि हमको फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है सप्लीमेंट्स पर। हमको ऐसा नहीं करना कि हमारी दिन भर में जितनी भी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है हम 70% या फिर 80% कैलोरीज की रिक्वायरमेंट सिर्फ सप्लीमेंट से पूरी कर रहे हैं। बिकॉज जब आप ये सप्लीमेंट्स छोड़ोगे तो ये 70% एकदम से कट ऑफ हो जाएगा और आप दिन भर में सिर्फ 30% कैलोरीज ही खा रहे होगे। तो आपको ये चीज़ ट्राई करनी है कि आपकी जो भी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेगुलर फूड से उसको पूरा करो। उसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से तो आप सप्लीमेंट यूज़ करो अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ताकि कल को जब आप सप्लीमेंट खाना छोड़ो तो जो आपका रेगुलर फूड वाली जो आपकी कैलोरीज है ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ से कैलोरीज ले पाओ और एकदम से
कैलोरीज इनटेक में डाउनफॉल हुआ है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर इस टॉपिक से अलग भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।